आज का वीडियो बीपीओ या कॉल सेंटर का सेटअप कैसे होना चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। हम लोग आज के वीडियो में बीपीओ का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। लगे हाथ मेरे एक काम चल रहा है बीपीओ का इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसी को आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में होने से आपको प्रोजेक्ट जल्दी से मिल सकता है या काम स्मूथली चले। इसलिए आज का वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिर्फ ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम लोग इसको तीन भाग में डिवाइड कर लेंगे। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क या हार्डवेयर का जो भी चीज लगेगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग से जानेंगे, और स्टाफ, आपका ऑफिस में कौन कौन सा स्टाफ होना जरूरी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो जो लोग कॉल सेंटर का बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं या ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप दो तरीके से कर सकते हैं, आपका खुद का भी कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सकता है, और एक रेंट पे कर सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा लेकिन रेंट आपका जाएगा। कितना रेंट आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, एक क्लियर विजन आपको मिल जाएगा कॉल सेंटर का बिजनेस करने के लिए, जो आपको क्या क्या चाहिए होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोजेक्ट को छोड़ के हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे हमको प्रोजेक्ट मिल सकता है, कहां से प्रोजेक्ट मिल सकता है, या इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना रिस्क है, इसके बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं डीएम और आप देख रहे हैं बिजनेस ट्यूबलाइट। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके मैं हर वक्त आपके सामने आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉल सेंटर का बिजनेस के ऊपर हम सब लोगों का इंटरेस्ट रहता है। हम लोग जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, हम लोग सोचते हैं कभी हो सके तो खुद का कॉल सेंटर चलाएं, लेकिन इसका एक क्लियर विजन होना चाहिए। प्रोजेक्ट तो आ गया या प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या सामान का जरूरत होना चाहिए, आपको ऑफिस में क्या क्या होना चाहिए, जो क्लाइंट को अच्छा लगे, क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे, आपका ऑफिस को देख के, आपका स्टाफ को देख के, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, जेन्युइन वाला प्रोजेक्ट मिलता है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम लोग जानेंगे ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं कॉल सेंटर का काम को अगर हम लोग डिवाइड करें तो चार भाग में मोटा मोटी डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या भाग है उसमें? पहला तो आपका इनबाउंड होता है। इनबाउंड जो होता है, इनबाउंड में कस्टमर आपको कॉल करते हैं, कस्टमर कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जितना भी टेलीकॉम हो, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है कस्टमर कॉल करता है आपको, ये इनबाउंड हो गया। यहाँ पे आप सपोर्ट देते हो उनको, उसका कस्टमर का क्या क्या प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन करते हैं, ये इनबाउंड प्रोसेस होता है। नंबर दो होता है आउटबाउंड प्रोसेस। आउटबाउंड प्रोसेस में आपको कस्टमर को कॉल करना पड़ता है, मतलब आपका जो स्टाफ है, आप जो क्लाइंट है आपको, वो कुछ सेल करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, इस तरह का आउटबाउंड में होता है, ये आपको कुछ सेल करना है। आपका जो स्टाफ है वो कस्टमर को कॉल करेगा डायरेक्टली, या सेल वो सामान को सेल करेगा, जैसे इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया, ऐसे बहुत सारा सेक्टर है जो आउटबाउंड में। एक हो गया इनबाउंड, नंबर दो हो गया आउटबाउंड, नंबर थ्री है नॉन वॉइस प्रोसेस। नॉन वॉइस प्रोसेस क्या होता है? इसमें कस्टमर मेल या एसएमएस के थ्रू उनका प्रॉब्लम भेजता है, उसका सलूशन करना पड़ता है, यहाँ पे कॉलिंग लेना नहीं पड़ता है, यहाँ पे मेल पे या एसएमएस पे आपको जवाब देना पड़ता है, इसका जो सपोर्ट देता है उसको नॉन वॉइस प्रोसेस बोलता है। और एक रहता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री आपको पता है बहुत बढ़िया सेक्टर, बड़ा सेक्टर है डेटा एंट्री का। यहाँ पे डेटा एंट्री का काम मिलने से आपका स्टाफ को टाइपिंग स्पीड आना चाहिए, डेटा एंट्री के बारे में जानकारी चाहिए, आपको डेटा एंट्री करवाना पड़ता है। ये चार तरह का, मोटा मोटी ये चार तरह का होता है कॉल सेंटर। तो
तो इसमें से कोई भी सेंटर आप खोलना चाहते हो, इसमें से कोई भी सेंटर अगर आप खोलना चाहते हो, तो आपका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपका क्लाइंट जब आपको काम देगा तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट, देखो प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा काम मिलना उतना इजी होगा। मैं नहीं बोल रहा कि एक बिना एक्सपीरियंस का सिर्फ प्रेजेंटेशन में काम मिल जाएगा, एक्सपीरियंस में काम में आता है। जैसे आपका एक्सपीरियंस आपका काम निकालने में इजी कर देता है, वैसे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी आपको हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, एक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, इस बारे में बात करेंगे। मैंने पहले बोल दिया था, पहले हम लोग ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नेटवर्क, PRI, DLR क्या लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। एकदम नंबर थर्ड हम लोग स्टाफ के बारे में बात करेंगे, कौन सा स्टाफ होना चाहिए आपका कंपनी में, और कंपनी का लीगल पेपर के बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का वीडियो में वो नहीं बोलूंगा। उसके लिए आप लिख के भेजिए, कमेंट में लिखिए, आपको अगर जानकारी चाहिए तो उसका भी जानकारी मैं दूंगा। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए आपका एक बढ़िया ऑफिस होना चाहिए। अभी जो मैं ऑफिस आपको दिखा रहा हूँ ये 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, ये बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन एकदम छोटा भी नहीं है। 2000 स्क्वायर फीट के ऑफिस यहाँ पे हम लोग काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपको पहला जरूरत क्या है, पहला जरूरत होगा आपको एक बढ़िया सा ऑफिस चाहिए होगा। हाँ रेंट आपको देख के लेना है, यहाँ पे मैं अभी जो फ्लोर में मैं देखा रहा हूँ ये लगभग 1 लाख के ऊपर आपका रेट आता है। कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मेन फ्लोर है। देखिए यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी अभी तो फिलहाल 50 तो है, इधर से अलग लगेगा देखने में, बन रहा है, और उस साइड से देखेंगे तो सब रेड बन जाएगा। तो ये मेन हम लोगों का मेन फ्लोर है, और सपोर्टिंग के लिए और एक फ्लोर हम लोग बगल में तैयार किया है। ये है छोटा फ्लोर है, लेकिन अचानक कोई नया प्रोसेस आ जाए तो सपोर्ट के लिए एक फ्लोर है। और इधर हम लोगों का डायरेक्टर का केबिन बन रहा है, अभी बना नहीं, ये बनेगा, बन रहा है, बनने के बाद बढ़िया लगेगा देखने में। और आपका जरूरत है एक सर्वर रूम, जो कॉल सेंटर के हार्ट बोल सकते हैं, मेन सेंटर है सर्वर रूम, जहाँ पे आपका सर्वर रहेगा, UPS रहेगा, आपका डायलर, मार्क्स और स्विच ये सब रहने वाला है। तो ये सर्वर रूम बन गया हम लोगों का मेन रूम, ये आपको चाहिए ही चाहिए। और क्या चाहिए, और एक है ट्रेनिंग रूम, ये छोटा सा एक ट्रेनिंग रूम जहाँ पे नया एम्प्लॉई को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद वो फ्लोर में जाएगा। और दो छोटा छोटा केबिन है यहाँ पे, छोटा मोटा मीटिंग मैनेजर लोगों के लिए है, और एक HR और BD कोई भी बैठ सकता है, दो रूम बन रहा है। और आपको चाहिए, और आपका एक छोटा सा कैफेटेरिया चाहिए, हम लोग कैफेटेरिया बन रहा है, बनने के बाद बढ़िया बन जाएगा। तो यही आपका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देख लिए एक कॉल सेंटर के लिए क्या क्या चाहिए, मेन फ्लोर चाहिए आपका, सर्वर रूम चाहिए आपका, ट्रेनिंग रूम चाहिए, आप जो बैठोगे आपके MD का रूम चाहिए, आपका मीटिंग के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक रूम चाहिए, HR के लिए रूम चाहिए, छोटा छोटा केबिन आपको चाहिए ही होगा मेन फ्लोर के साथ, सर्वर रूम आपको चाहिए ही चाहिए, दिमाग में रखिए। तो ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अभी हम लोग जानेंगे आपका IT या इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए। तो अभी उसके साथ शुभम भाई है, शुभम भाई आपको बता देगा क्या क्या चाहिए। तो चलिए हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, IT का और इंटरनेट का क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए चाहिए, उसके बाद हम लोग स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे इंटरनेट का सेटअप के बारे में, इंटरनेट, फायरवॉल, आपका डायलर क्या क्या लगेगा, IT का डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे, IT का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एक कॉल सेंटर चलाने के लिए, IT में क्या क्या चाहिए आपको। तो हम लोग पहले UPS से शुरू करेंगे, ठीक है। इंटरनेट तो आपको पहले जरूरत है, आप टाटा से भी ले सकते हैं, एयरटेल से भी ले सकते हैं, कोई भी इंटरनेट कंपनी से ले सकते हैं। पहला चीज़ आपको इंटरनेट चाहिए, उसके बाद आपका ऑफिस के बैकअप के लिए आपको UPS रखना चाहिए, क्योंकि इतना सिस्टम चलेगा, इसके बैकअप के लिए 1 से 2 घंटा बैकअप वाला UPS लेना चाहिए।
तो आईटी का एक बंदा मेरे साथ है, मेरा शुभम भाई, तो उसके साथ हम लोग देख लेंगे क्या क्या आईटी में चाहिए हम लोगों को। शुभम भाई, हाँ बोलिए। एक कॉल सेंटर चलाने के लिए आईटी या इंटरनेट के डिपार्टमेंट में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? देखिए, पहला चीज, एक कॉल सेंटर चलाने के लिए सबसे आपको स्ट्रांग होना चाहिए जो इंटरनेट, वो है आपका आईटी सेटअप। विदाउट आईटी सेटअप आप कॉल सेंटर नहीं चला पाएंगे, ठीक है। एक जेन्युइन कॉल सेंटर जो चलता है वो प्रॉपर आईटी का वजह से ही चलता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है आपका एक खुद का नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, फिर आपका होता है इंटरनेट, फिर आपका लगता है डायलर, फिर आपका लगता है PRI जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कॉल आएगा। और जो डायलर होता है वो सबसे बड़ा चीज़ होता है जो आपका कॉल लेने में सहायता करेगा और कॉल करने में सहायता करेगा, ठीक है। विदाउट डायलर आप एक कॉल सेंटर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जो इनबाउंड या आउटबाउंड जो भी हो, आप एक साथ एक नंबर से बहुत सारा कॉल कर सकते हैं। ये सुविधा की वजह से सब डायलर यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो आपको सबसे बड़ा चीज़ ज़रूरत होगा आपका एक नेटवर्क। नेटवर्क आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? नेटवर्क क्रिएट करना बहुत बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ स्विचेस का ज़रूरत पड़ेगा कि 2-3-4 स्विचेस से जितना भी आपका यूज़र बैठेगा उसका हिसाब से आप स्विच लगाइएगा। स्विच लगाने से आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ आएगा आपका नेटवर्क तो ले लिया, तो उसको चलाने के लिए आपको उसका सिक्योरिटी के लिए आपका कोई अगर डेटा नहीं ले पाएगा, आपका बारे में कुछ नहीं जान पाएगा, तो इसके लिए आप एक फायरवॉल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यह मेरा प्रपोजल है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है इसमें से PRI और डायलर, ठीक है। डायलर आप दो तरीके से ले सकते हैं। फ्री डायलर भी आता है, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहता। पर्चेस जो डायलर लेते हैं आप लोग, वो पर्चेस डायलर आपको बहुत सारा सिक्योरिटी देगा और आपको बहुत सारा सुविधाएं भी देगा, ठीक है, जिसमें आपको आसानी होगी एक कॉल सेंटर चलाने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे देखिए, हमारा खुद का नेटवर्क है, पूरा एकदम प्रॉपर प्राइवेट नेटवर्क है। हम लोगों का दो भेंडर है, ठीक है। हम लोगों यहाँ पे दो भेंडर है, एक टाटा टेलीकम्युनिकेशन है और दूसरा है हम लोग का एयरटेल। ये टाटा का हम लोग का मार्क्स दिया हुआ है, देखिए भैया, ये टाटा का पूरा मार्क्स के अंदर इसमें से PRI टाटा दिया है और इंटरनेट ये मेरा दोनों है इसमें। मतलब टाटा का इंटरनेट डायरेक्ट इधर आता है? हाँ, इसमें से डायरेक्ट आता है। तो यहाँ से मेरा डायलर पे गया, ठीक है, डायलर दिखाइए। यहाँ से डिवाइड हो गया मेरा, ये मेरा दोनों डायलर है, इसमें इनबाउंड कॉल आता है, डोमेस्टिक में इनबाउंड कॉल आता है इसमें। ये दोनों डायलर है मेरा, दोनों प्रोसेस में इनबाउंड कॉल आता है इसमें। और ये हमारा है थोड़ा फायरवॉल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपका नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए। हम लोग यहाँ पे फिजिकल फायरवॉल नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग सॉफ्ट फायरवॉल यूज़ करते हैं। इसमें फीचर्स बहुत आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बनाया है, लेकिन आप अगर फिजिकली फायरवॉल खरीदना चाहते हैं तो वो बहुत कॉस्टिंग में आ जाता है, लेकिन ये हमारा बहुत लो कॉस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा है PRI, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, बोलेंगे कि टाटा का इतना बड़ा मशीन है, एयरटेल का इतना छोटा। तो एयरटेल का ये फीचर्स अलग है, एयरटेल का PRI जो देते हैं, जो PRI भेंडर है, एयरटेल टाटा कोई भी हो, तो उन लोगों का जो मशीन देता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। हमारे यहाँ पे देखिए टाटा एक बड़ा मार्क्स दिया है, जिसके उसको उसके पास जो सेटअप है वो एक साथ आया है हमारे यहाँ पे। और एयरटेल जो है वो एयरटेल पर्टिकुलरली PRI हम लोग को दिया है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एयरटेल का एक लीज लाइन भी है, ठीक है। ये हम लोग का बैकअप के लिए, क्योंकि आपका मेरा यहाँ पे टाटा का इंटरनेट भी है, लेकिन टाटा का अगर कभी भी डाउन हो जाता है तो एयरटेल मेरा बैकअप दे देता है, ठीक है। ये हम लोग का दोनों ही लीज लाइन है, लीज लाइन आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो शुभम भाई, ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोटा मोटी आपका इंटरनेट, एक अच्छा वाला इंटरनेट चाहिए, PRI चाहिए, हाँ।
कॉल डिवाइड करने के लिए कॉल ज्यादा पीआरआई का काम होता है कॉल आना कॉल आना कॉल रिसीव करना कॉल आना और जाना कॉल आना और जाना तो पीआरआई चाहिए एक अच्छा अच्छा और फायरवॉल चाहिए सेफ्टी के लिए नेटवर्क की सिक्योरिटी के इंटरनेट चल रहा है आपका ठीक है तो इसके लिए पूरा नेटवर्क को सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल चाहिए और ये आपका इंटरनेट डिवाइड करने के लिए आपका स्विच चाहिए वो तो आपका जितना यूजर बैठेगा उन लोगों को उनके हिसाब से स्विच चाहिए और एक अच्छा वाला डायलर चाहिए जो कॉल डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये सब चीज होने से एक कॉल सेंटर कोई बंदा शुरू कर सकते हैं जी जी तो आप लोग सुन लिए तो शुभम भाई का नंबर भी नीचे है कोई अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं कोई काम के लिए कोई काम इनसे भी करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में है आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया बेस में हम काम करते हैं हम लोग डायलर दे देंगे सिक्योरिटी नेटवर्क बिठा देंगे नेटवर्क क्रिएट कर देंगे आपका फायरवॉल भी दे देंगे हम सब प्रोवाइड कर देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको कॉल सेंटर चलाने के लिए एकदम ठीक है फुल सपोर्ट भी हम दे देंगे ठीक है थैंक यू शुभम भाई कॉल सेंटर चलाने के लिए आपको कौन सा स्टाफ का जरूरत है पहले तो आप कंपनी का ओनर हो आपके ऊपर है क्लाइंट क्योंकि क्लाइंट से ही आपको जॉब मिलेगा जॉब को आपको करना है क्लाइंट के हिसाब से तो आपको और क्लाइंट को छोड़ के अभी आपका नीचे आपका हेल्पिंग हैंड कौन चाहिए तो स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक आपका ऑपरेशन चला गया जो लोग आपके लिए काम करेगा जो लोग सपोर्ट करेगा एक सपोर्ट टीम रहेगा उसमें आईटी है एडमिन है और एचआर है स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले तो आप हो आपके ऊपर क्लाइंट है इन दोनों को छोड़ के आपका नीचे सपोर्टिंग में आपको क्या क्या चाहिए पहले एक आपको एचआर चाहिए जो रिक्रूटमेंट करेगा जो आपका रिक्रूटमेंट के अलावा बहुत सारा काम होता है एचआर का जो आपका सैलरी का कैलकुलेशन करेगा अटेंडेंस का कैलकुलेशन करेगा एक्चुअली रिक्रूटर भी करता है लेकिन आप छोटा करके अगर शुरू करना चाहते हो तो एचआर भी ये सब काम कर देता है पूरा ऑफिस का हिसाब भी वो कर देता है क्योंकि आप सोचोगे ये पूरा ऑफिस का पैसा का हिसाब ये तो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट करेगा आप अगर छोटा करके शुरू कर रहे हो तो आपका एचआर भी करता है और एचआर आपका रिक्रूटमेंट से शुरू करके लीगल डॉक्यूमेंट पेपर का काम सब कुछ कर एचआर करेगा उसके साथ चाहिए आपको एडमिन को क्यों चाहिए एक एडमिन बंदा चाहिए जो पूरा ऑफिस देखेगा आपका ऑफिस का कहीं पे कोई सामान का हिसाब से शुरू करके कहीं पे कोई टूट गया कुछ सामान का ज़रूरत है ये सब कर देगा एडमिन एचआर एडमिन के साथ आपका आईटी का एक लड़का चाहिए आईटी टीम चाहिए आपका आईटी टीम क्या करेगा आपका तुरंत फ्लोर में कोई प्रॉब्लम हुआ नेट का कोई प्रॉब्लम हुआ नेट का कोई इशू हुआ आईटी ओरिएंटेड टोटल सपोर्ट आईटी का लड़का करेगा ये तीनों बंदा चला गया इसके बाद आपका ऑपरेशन में अगर आओगे ऑपरेशन में आपको एक ऑपरेशन मैनेजर चाहिए उसके बाद उसके नीचे एक टीम लीडर चाहिए उसके नीचे आता है एजेंट लोग जो लोग काम करेगा जो कॉल लेगा ये चला गया आपका मेन स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम छोटा करके शुरू करने में भी आपको क्या क्या लगेगा एक आईटी एक एडमिन एक एचआर और आपका ऑपरेशन में ऑपरेशन मैनेजर टीम लीडर और ऑपरेशन में जो लोग काम करेगा यही बंदा चाहिए तो आशा करता हूँ आज का वीडियो जो बना है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो कॉल सेंटर जो बंदा चालू करना चाहते हैं या शुरू करने जा रहे हो उन लोगों के लिए अच्छा ही वीडियो बना इंफॉर्मेटिव वीडियो बना तो चलो शुरू कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल सेंटर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए आईटी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए शुभम भाई का नंबर नीचे दिया हुआ है मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई बंदा अगर ऐसा हो प्रोसेस को ओरिएंटेड काम करवाना चाहते हो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अच्छा अच्छा कॉल सेंटर के साथ लिंकअप है उनसे बात करवा दूंगा जो आपका प्रोसेस चला सकता है तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हम लोगों के साथ बने रहिए अगले टाइम और एक नया वीडियो लाएंगे और एक वीडियो इसके बाद ही आएगा आपका कंप्यूटर रेंट वाला वीडियो कंप्यूटर रेंट बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो हम लोग दिखाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।